रुद्रपुर में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौडसे समर्थकों पर बोला हमला, कहा गौडसे समर्थकों से लड़ने के लिए गांधीवादी रास्ता अपनाएंगे। सितारगंज में बानो बेगम बनी सितारगंज की नगर अध्यक्ष। जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा सितारगंज में कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। चमोली में पार दरकने से बड़ी मुश्किलें। पागल नाला और टंगड़ी के पास मलबा आने से रास्ता बाधित, वाहनों की लग रही है लंबी लाइनें। चमोली में चल रहा वैक्सीनेशन का महाअभियान, स्वास्थ्य विभाग ने की पूरी तैयारियां, जिले में लग रहा है लोगों को टीका। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। रुद्रपुर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों का विरोध करने वाले गौडसे समर्थक देश में राज कर रहे हैं, इनसे लड़ने के लिए एकमात्र रास्ता गांधीवादी ही है और इसीलिए हमें संगठित होने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर गाँव में जाकर वहां प्रवास करना होगा और ग्रामीणों के साथ मिलकर कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये व्यक्तित्व है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इस पर सिर्फ कांग्रेस ही मंथन कर सकती है और इसीलिए गांधी जयंती पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर के गांव में जाकर रात्रि प्रवास करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में जाकर एक रात एक गाँव में बिताएंगे। पर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम रात्रि प्रवास करेंगे। एक तारीख को रात को, दो तारीख की रात को रुकेंगे और तीन को हम दोपहर बाद वापस आएंगे। हमारे स्थानीय 670 न्याय पंचायतें हैं, 670 ही हमारे पार्टी के नेता रात्रि प्रवास करेंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर प्रवास होगा और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, श्रमदान होगा, शिक्षकों का सम्मान होगा, चौपाल लगाएंगे, चौपाल के साथ साथ जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से ग्राम सभा स्तर के बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और एक कांग्रेस की विचारधारा को लेकर गाँव में बातचीत लोगों से होगी और ये एक कांग्रेस का ऐतिहासिक कदम है। महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर गांव में जाना एक पार्टी का निर्णय है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे लोग उसमें लगेंगे। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों में टिकट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में झबलेड़ा विधानसभा सीट पर भी टिकट के दावेदारों ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया है। झबलेड़ा विधानसभा क्षेत्र राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार अमीलाल वाल्मीकि का स्वागत समारोह किया गया, जिसमें झबरेड़ा गांव के कश्यप समाज और कोरी समाज ने भारतीय जनता पार्टी से अमीलाल वाल्मीकि के टिकट की मांग की है। उन्होंने मौजूदा विधायक देशराज कर्णवाल को सिरे से नकार दिया है। वहीं अमीलाल वाल्मीकि ने टिकट को लेकर कहा कि ये मामला पार्टी हाईकमान का है, हाईकमान जो भी दिशा निर्देश देगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। लोग थे, उनकी एक इच्छा थी कि हम बुला करके जो है अपने जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं उनको बुला करके आपस में एक परिचय हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ ये शकल से भी रूबरू हो जाएंगे, तो ये इसको लेकर के एक आपस में बैठ करके बातचीत करने का एक कार्यक्रम था। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई नहीं बता पाएगा, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार का कार्य है। जो संगठन करेगा वो सबको जो मान्य होगा और यहाँ सर्व संगठन ही सर्वोपरि है। आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने के वो करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो मोदी जी की पारदर्शी नीति है, जो मोदी जी के कार्यकाल में जो उन्होंने जो दूसरी पार्टियों ने कहा कि ये चीज़ें सब नामुमकिन है। जिस टाइम पर हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पर मिस्टर करणवाल जी उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं कंपनी में गरीब आदमी का काम लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा,
और जिस टाइम पे विधायक बन के उन्होंने आज तक सकल तक नहीं दिखाई। और हमारे गांव के जो रोड हैं और जो मतलब गांव की जो समस्या है उन पर किसी पर भी कोई भी अमल नहीं किया। आप कैसे कैंडिडेट चाहेंगे, जैसे कि आप कर्णवाल का विरोध कर रहे हैं तो आपका हम कैंडिडेट अमीलाल जैसा चाहेंगे जो मतलब हमारी समस्या कोई भी हो, अमीलाल की ना हो, कोई भी हो, जो सहायता करे उसमें कोई भी हो, गरीब आदमी की बात सुन सके, हमें कर्णवाल भी हो चाहे अमीलाल हो चाहे कोई भी हो, सबके सब जो जितने भी मतलब हैंडपम्प लगे हैं सब बड़े बड़े घरों के लोगों के घरों में लगे। हमने कहा हमने कहा कि हमें एक हैंडपम्प चाहिए, लेकिन लेकिन किसी का कोई हैंडपम्प नहीं लगा और वो जाके लगे लोगों के घरों में। सितागंज में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने बानो बेगम को महिला मोर्चा का सितागंज नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। बानो का चयन प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य की संस्तुति पर किया गया। बता दें कि जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने बताया कि सितारगंज नगर क्षेत्र में कांग्रेस की महिला विंग को मजबूत बनाने को लेकर कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता बानो बेगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि बानो बेगम के नेतृत्व में सितारगंज में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, साथ ही कांग्रेस पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने में नव नियुक्त नगर अध्यक्ष पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी। ये सम्मान जो है इस जिम्मेदारी के साथ जलाया सोनकर जी से कि जो ये बहुत मेहनती महिला हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम करती हैं और मुझे इनसे ये उम्मीद है कि ये आने वाले समय में जो है पार्टी के लिए महिला टीम को पूरी अच्छे तरीके से जोड़ के और कांग्रेस के लिए महिलाओं में काम करेंगे। इसी जिम्मेदारी से निभाएंगे, जैसे कि हम अपना जितना भी काम करेंगे बिल्कुल मेहनत से करेंगे और अच्छी तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अटक भी है तो हम अपनी पार्टी को जिताएंगे। वहीं लक्सर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य विभाग मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची, जहां पर उन्होंने दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल के लिए एक एक पोषण रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि सभी जिलों में जाकर LED के जरिए लघु फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे। आम जनता को प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण करने के साथ ही पोषण के लिए लोगों में जागरूकता लाने का काम भी करेंगे। कुपोषण के विरुद्ध जो है अपनी लड़ाई को एक अभियान के रूप में जारी रखे हुए, उसी परिपेक्ष में उत्तराखंड में भी कुपोषण की लड़ाई को मजबूत करने के लिए 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का जो है पूरा माह है वो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी परिपेक्ष में आज कुमाऊं को भी, उसी परिपेक्ष में आज गढ़वाल को भी एक पोषण रथ जो है वो भेजा गया है, जिसको हरी झंडी दी गई है, जिसके माध्यम से बच्चा को किस प्रकार के भोजन को कराना चाहिए, उसमें क्या क्या पोषक तत्व है, अथवा एक गर्भावस्था महिला को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके गर्भधारण करने से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर उसके डिलीवरी तक में उसको कितने पड़ाव से गुजरना पड़ता है, उसमें उस दौरान उसको बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी क्या खान पान रखना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी इस रथ के माध्यम से है। ये हर जनपद में जाएगी, एक हफ्ते का दौरा जो है दोनों रथों का है। निश्चित रूप से ये जानकारियाँ गर्भवती महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जो किसी भी प्रकार से कुपोषण का शिकार न होने पाए, उस दिशा में एक अमूल चूल जो है मैं कह सकती हूँ कि उनको जानकारी उपलब्ध होंगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड जो है हमारे बच्चों को कुपोषण होने में बचाने में सफल होगा। डोईवाला विधानसभा में जहां स्थानीय प्रत्याशी की मांग अब तेज होने लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने भी डोईवाला क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने अभी से ही घर घर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और नुक्कड़ सभाओं के साथ ही बड़ी जनसभाएं करके भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के विधायक हैं, उसके बावजूद भी कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब जितेंद्र नेगी को डोईवाला से टिकट देने की मांग को लेकर ताल ठोक दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अब की बार स्थानीय प्रत्याशी को ही पार्टी प्रत्याशी बनाया जाए। लगातार जनसंपर्क अभियान में निकला हूं विधानसभा में, अभी मैं छदम्मीवाला भी मातृशक्ति के बीच में बैठा हूं, तो स्थानीय कई छोटी छोटी समस्याएं जनता की हैं,
तो मुझे ये महसूस हुआ कि जनता को अपने बीच का प्रतिनिधि चाहिए जो उनके साथ उठ बैठ सके, उनकी बात को सुन सके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर सके। क्योंकि अभी मैंने डोईवाला के भी कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया, छदामी वाला में जो महिलाओं ने उनके समूह की कुछ अपनी प्रॉब्लम थी वो बताई, उन्होंने स्थानीय समस्याओं का भी जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ इस विधानसभा में बहुत समस्याएं जिनके निराकरण की आवश्यकता है, जिन पर अभी काम करने की हमको आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि निरंतर जनता के बीच में रहकर ही जनप्रतिनिधि इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और टंडी के पास मलबा आने से बाधित हो गया है, जिसके चलते बद्रीनाथ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग भी दोनों तरफ से फंस चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को चमोली, पीपल कोठी और जोशीमठ में ही रोक दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर निजमुला ईरानी मोटर मार्ग का भी यही हाल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा और टंकी के पास मलबा आने से बाधित हो गया है, जिसके बाद दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई है और बद्रीनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग भी सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो चमोली की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं, जिसकी वजह से बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु तो फंसे ही हुए हैं रास्ते में, उसके साथ साथ स्थानीय लोग भी फंस चुके हैं। और ऐसे में अब रास्ता जो बाधित हो गया है उसके खुलने का इंतजार हर कोई कर रहा है। बताते बारिश के मौसम में पिछले 2 से 3 महीने से कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं पूरे उत्तराखंड से कि पहाड़ दरक रहे हैं, लेकिन अब बारिश भी एक तरफ खत्म हो गई तो उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार जारी है। और ऐसे में बद्रीनाथ जो जाने वाले यात्री हैं उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें रास्ते में रुकना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो स्थानीय वहां के लोग हैं उन्हें भी अब रास्ता खुलने का इंतजार है। चमोली में कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज पूरे जिले में दूसरा टीकाकरण महाभियान चल रहा है। इस महाभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम एस खाती ने बताया कि आज टीकाकरण महाभियान के तहत जिले में प्रथम डोज के लिए 2000 और दूसरी डोज के लिए 20000 का लक्ष्य रखा गया है, जबकि टीकाकरण का महाभियान को सफल बनाने के लिए मोबाइल टीमें बनाई गई हैं जो वाहनों से कई क्षेत्रों में जाकर कोविड वैक्सीनेशन करेगी। इसके अलावा गांव क्षेत्रों के आसपास भी टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे। कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने 17 तारीख को महाअभियान चलाया था उसी तरह की तैयारी हम लोग 30 तारीख के लिए कर रहे हैं और इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है और उनके सहयोग से हम लोग उस दिन कम से कम 157 हमारे CVCs हैं, मतलब कोविड वैक्सीनेशन सेंटर से, उनको सबको ओपन करेंगे और 60 से लेकर 65 हमारी मोबाइल टीम होंगी। तो एक बृहद महाअभियान फिर से हम 30 तारीख को शुरू करेंगे। हरिद्वार के जंगल रेंज भाद्राबाद के सुमन नगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलरों ने कॉलोनियां काट रखी हैं। बता दें कि क्षेत्र में एक अच्छा रोड बन जाने से प्रॉपर्टी डीलरों की जमीनें चांदी की तरह चमक उठी हैं और जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर प्रॉपर्टी डीलरों के तेवर भी बढ़ गए हैं। ऐसे में बता दें कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी जमीनों का मानक मूल्य बढ़ाने के लिए वन विभाग को की जमीन को पट्टी में रास्ते बना दिए हैं, जिससे एक तरफ से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण माना जाता है। ऐसे में दिनेश नौटियाल वन क्षेत्र अधिकारी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की सुरक्षित भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मगर इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को अवगत कराया था कि एक वहाँ पे नहर पटरी है, नहर भाई की जमीन है वो बेसिकली, और वन विभाग का जो है संरक्षित वन घोषित है वो, वहाँ पे हमारे प्लांटेशन वगैरह होते हैं। तो वहाँ बीच में कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ से अपना रास्ता निकालने के लिए कुछ होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे लगी थी, तो उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। जितने लोगों ने भी वहाँ पे अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाई हैं तो उन पे हमने कार्रवाई की और साथ ही अगर कुछ गलत मंसूबे लेकर के लोग वहाँ पे आ रहे थे तो उनको भी हिदायतें दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। और अभी भी मेरी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह का प्रयास न करें, अगर
कोई इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और ये क्लियर आप अपने माइंड में रख लें कि वो संरक्षित भूमि है, तो वहाँ पे किसी भी तरह के इस तरह की कोई भी कार्रवाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो संरक्षित वन है और वहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लांटेशन प्रपोज किया हुआ है, पहले भी पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं, किसी ने उस पर क्षति पहुँचाने की कोशिश करी है, इसलिए हमने उस पर कार्रवाई की है और अभी वहाँ पे बहुत जल्दी हम एक बहुत बढ़िया एवेन्यू प्लांटेशन करने वाले हैं और अगर इस तरह के कोई मनसूबे पाले हुए हैं तो उनको अपने माइंड से निकाल दें। वहीं उद्धम सिंह नगर के किच्चा क्षेत्र में शांतिपुरी में इमली घाट में जंगल में चरने गई गुज्जर परिवार की लापता 6 भैंसों में से 2 के मृत शव शांतिपुरी के एक खेत में दफन किए गए हैं। ऐसे में जबकि शेष 4 भैंसों का अभी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार ने भैंसों को खेतों में करंट फैलाकर मारे जाने की आशंका जताते हुए मामले की पुलिस और वन विभाग से शिकायत की है। वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। जंगल में रहकर हम अपने जानवरों की डेयरी का काम करते हैं और जंगल में सुबह को चरान पे जब भैंसें आई थी हमारी, हमेशा रोज़ आए दिन गोला के किनारे जानवर चरा करते थे, वहाँ से 6 भैंसें जो गायब हुई और 22 तारीख की घटना है, उस घटना के बाद हम लोगों ने 4-5 दिन बराबर प्रयास किया तो उन जानवरों कोई जानवर मिल नहीं पाए। उसके बाद फिर हमने उसकी कॉम्पिंग करी गाँव के किनारे से तो पता चला कि गन्ने के अंदर 2 डेड बॉडी जो है अंदर मिली हमें। उसमें प्रशासन पुलिस भी साथ में रही, हमारे वन विभाग को बताया गया, वन विभाग ने करंट का तार भी देखा, मौके पर पकड़ा है, देखा है और प्रशासन ने भी पुलिस ने भी देख लिया है और हम लोगों के साथ हमारी 6 भैंसें, हम लोग इसी पर जीवन यापन करते हैं, तमाम बच्चों के साथ अन्यायी हुई है हम लोगों के साथ और ये जो है हम लोगों के साथ इसका इंसाफ मिलना चाहिए और प्रशासन इस बात को कह रहा है कि हम इसका इंसाफ दिलवाएंगे बेहतरीन तरीके से जो भी कुछ है। वहीं उद्धम सिंह नगर किच्चा क्षेत्र में के शांतिपुर और आसपास के जंगलों में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए वन विभाग डोली रेंज लालकुआ की तरफ से विशेष गश्ती अभियान चलाया गया। वहीं रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि गांव में तेंदुए की मूवमेंट को देखते हुए जल्द ही क्षेत्र में पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाएगी। शांतिपुर राजस्व क्षेत्र और गोला नदी किनारे की गई सघन गश्त रेंजर डोली अनिल जोशी के निर्देश पर शांतिपुरी क्षेत्र में हाथी तेंदुए के मूवमेंट की सूचना पर और शांतिपुरी गोला नदी किनारे राजस्व भूमि और आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा पर खेतों के किनारे स्टाफ की तरफ से भी मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए गश्त की जा रही है। क्षेत्राधिकारी होने के नाते समस्त ग्रामीणों से अनुरोध करता हूं कि वे रात में अकेला न निकलें, अपने घरों के आसपास उजाला रखें तथा झाड़ी वगैरह काट लें। इसके साथ ही वन विभाग की टीम रात्रि क्षेत्र में गश्त कर रही है जिससे कि जनता को कोई भय ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा वन विभाग की टीम के द्वारा उच्च स्तर से अधिकारियों से संपर्क करके क्षेत्र में जल्दी एक पिंजरा लगाने की भी अनुमति ली जा रही है। वहीं पौड़ी में प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव आज श्रीनगर में थे जहां सदगुरु केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। वहीं सदगुरु ने कहा कि उत्तराखंड इस धरती को दी गई ईश्वर की अनमोल धरोहर है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर जाना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी उत्तराखंड नहीं आता समझो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि वो देशवासियों को यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं कि सदगुरु ने अपने भक्तों के साथ ही मुलाकात भी की और उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। तो बता दें सदगुरु ने भक्तों से मुलाकात की, पौड़ी पहुंचे वो और उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को उत्तराखंड आना चाहिए और ऐसे में जो व्यक्ति उत्तराखंड नहीं आता है समझो उसका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि वो देशवासियों को यही संदेश देने आए हैं वहाँ पर और यही संदेश देना चाहते हैं कि एक बार हर व्यक्ति को ज़रूर उत्तराखंड आना चाहिए। बताते हैं आपको सदगुरु ने अपने भक्तों के साथ मुलाकात की, साथ ही उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं Uttarakhand is a very special place. I think at least every Indian who is born in this country must visit this place. Without his life, not complete.
So in many ways to convey that message, we are here after a long time. इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवरसाइड रिसॉर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव हमारे, मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का और हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से और पूरे उत्तराखंड इस पर गौरवान्वित है। मैं समझता हूँ कि आज केदारनाथ जी की यात्रा पे वो गए हैं और उसके बाद में बद्रीनाथ जी की भी जाएंगे। मैंने उनसे कुछ प्रश्न भी किए और कुछ सुझाव भी दिए हैं कि हम इस यात्रा को और अच्छा सफल किस प्रकार से करा सकते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ गुरु मानते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, पर इनकी एक विशेषता है, वो इस दुनिया में रह करके सब चीज़ों का भोग करके, विशेषकर उनको गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो वो खुलेआम बोलते, कोई चीज़ छिपाते नहीं हैं। उनकी सिंसियरिटी और उनका खुलापन ही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है, जिसके वजह से उनके इतने सारे अनुयायी हैं और उनको बहुत ही हम अच्छा मानते हैं गुरु। और उनका पदार्पण यहाँ पे हमारे होटल में हुआ, इसके लिए हम बहुत फील करते हैं। केदारनाथ विजिट करके वो अपना एक अच्छा सा संदेश दें ताकि ये यात्रा खुल जाए पूरे अच्छी तरीके से, जैसे कि और अन्य जगह हिंदुस्तान में खुल गई। नैनीताल के धारी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान और एबीजी स्कीम शोध परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय की तरफ से गोद लिए हुए ग्राम मटियाल का दौरा किया गया। टीम की तरफ से राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में कोरोना जागरूकता विषय पर विद्यार्थियों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। प्रतियोगिता में योगेश सती ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं टीम की तरफ से सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया गया। उन्नत भारत अभियान तथा एबीजी स्कीम प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में एक प्लांटेशन प्रोग्राम और एक कोरोना जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया। अभियान में हमारे द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी बात की गई। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर ललित तिवारी, सोधन प्रसाद भी उपस्थित थे, प्रोफेसर लोधियाल तथा ग्राम प्रधान सुमति सरोज आर्य भी उपस्थित थी। उनके द्वारा भी कार्यक्रम में सहभाग किया गया तथा कई समस्याएं उनके द्वारा रखी गई जिनको कि हम आगे बढ़ाएं। नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से की गई भविष्यवाणी सटीक साबित होती जा रही है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादलों के साथ कोहरा लगा हुआ था, ऐसे में जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कार्यालयों और स्कूलों में नवमी श्राद्ध का अवकाश होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली। वहीं बाहर से आए पर्यटकों ने भी ऐसे मौसम में घूमने का लुत्फ उठाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।